वहीं सूरमा की प्रोड्यूसर चित्रांगदा सिंह फिल्म को प्रमोट करने के लिए रेडियो स्टेशन भी पहुंची। उन्होंने फिल्म के बारे में और भी खास बातें शेयर की। यहां उनका स्टनिंग अंदाज नजर आया और क्या कुछ खास रहा इस इवेंट में, टेक अ लुक। So, congratulations for Surma. Chitrangada, आप इतनी बारिश में ऐसे झेलते हुए सब कुछ सब आप पहुंची हैं and I'm sure इसका रीजन सुरमा, और सुरमा एक ऐसी फिल्म है जिस पर प्राउड फील करना बनता है। मेरी संदीप सिंह से बात हो रही थी, मेरी शाद से बात हुई, मैंने दिलजीत के साथ बातें की एंड फाइनली आई एम सो लकी कि मेरी आपसे बात हो रही है सुरमा। ये कॉन्सेप्ट किसका था कि संदीप सिंह की लाइफ पर बनाई जाए सुरमा? मैं एक्चुअली संदीप सिंह को मिली थी 2014 में एक मेरे फ्रेंड के साथ, ही वाज विद अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड मैं जानती थी कि उन्होंने मतलब इंडिया कैप्टन है वो संदीप, मुझे कुछ नहीं पता था कि उनके साथ लाइफ में क्या हुआ है। सो उसी दौरान मैं खुद दो कहानियाँ लिख रही थी, आई वाज राइटिंग माई सेल्फ। सो देन व्हेन आई मेट हिम आई स्टार्टेड रिवल स्टोरी, या इतनी ड्रामेटिक स्टोरी रियल लाइफ में मिल नहीं सकती, फिक्शन में हो सकती है लेकिन रियल लाइफ में नहीं हो सकती है, यू नो। सो दैट्स द रीज़न व्हाई आई डिसाइडेड कि ये फिल्म तो मैं ज़रूर बनाऊंगी और मैं प्रोड्यूस करूंगी और जिससे कि सही तरह से बने, यू नो, सो दैट वी डोंट ड्रामेटाइज इट, कमर्शलाइज एंड पेंट करके, यू नो, इट डजंट बिकम समथिंग एल्स। एंड आई मेड अ प्रॉमिस टू संदीप एक्चुअली कि ये मैं ज़रूर एक बहुत ही सच्चे ढंग से ये फिल्म बनेगी, आई मेक अ प्रॉमिस टू यू। सो अब इतना टाइम लग गया है आज खड़े होके आपसे बात करने के लिए, दैट इज टेकिंग दैट मच टाइम फॉर अस टू मेक इट। या एब्सोल्युटली, जितने भी लोगों के नाम मैंने लिए और सबसे सारी बात हो रही थी वो यही कह रहे थे कि बड़ी ईमानदारी से ये फिल्म हमने बनाई है। एंड टॉकिंग अबाउट सुरमा, थिंग इज द इजीएस्ट थिंग टू डू, राइट? आई मीन व्हेन इज द राइट पर्सन। एंड इफ आई लाइक आस्क यू कि ऑन स्क्रीन की अगर मैं बात करूं तो ऑन स्क्रीन कौन सा इमोशन जीना आपके लिए इजी और कौन सा मुश्किल है? अगेन आई थिंक जो रियल लाइफ में होता है वो उस पर भी होता है कि to act like you're in love with somebody is the easiest thing to do. Lekin I think kisi ko hasana aur wo jo ek mazak, wo jo comic timing honi chahiye, I think sabse mushkil karna wo hai ki ha, kyunki aap matlab yahan pe aap kuch kar rahe hain aur wo ek aadmi jo akela andhere kamre mein baitha hua hai, to make that person laugh, you know ki kis mood mein hai, kahan par hai, to manage to connect through comedy, I think is the most difficult thing. No, I'm going to go to the next one.